वैसे तो अच्छी पैदावार लेने के लिए सारे टॉपिक्स पे ध्यान करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन सी चीजों की सावधानी रखनी है, क्या क्या डालना है, क्योंकि हमारी पूरी फसल जो हम पैदावार लेने वाले हैं उसका पूरा दारोमदार जो है वो केवल नर्सरी पे है। अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक मजबूत होगी, वही वाली चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अगर हम नर्सरी बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, किसी तरह की उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, और अच्छे से जर्मिनेशन होने के बाद एक हेल्दी नर्सरी हम खेत में लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, अच्छी पैदावार देगी, और जो उत्पादन है वो भी उससे बढ़ेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, नमस्ते किसान चैनल में स्वागत है आपका। और आज चर्चा करते हैं एक नए वीडियो में, हम नर्सरी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ जिसके माध्यम से अगर हम नर्सरी को एक एक बारीकी से ध्यान रखेंगे तो हमारी नर्सरी को बहुत अच्छे से हम ग्रो करवा सकते हैं। नर्सरी की तैयारी से रिलेटेड पांच ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम बात करेंगे कि हम खेत को कैसे तैयार करें, या जहां पर अपन नर्सरी डालेंगे उसको कैसे तैयार करें, खाद कौन सी डालें या कोई और उर्वरक कौन सा डालें, तेज बारिश या तेज धूप से नर्सरी को कैसे बचाएं, अगर कमर तोड़ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें देना चाहिए, कौन कौन सी दवाई हम उसमें यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, और जब पौध हमारी 10 से लेकर 15 दिन की हो जाती है उस समय क्या डालना चाहिए। तो ये पांच टॉपिक है, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो बहुत फायदा ये देंगे आपको, और हमारी जो नर्सरी है उसमें बहुत अच्छी सी ग्रोथ आएगी, कोई भी पौधा मरेगा नहीं, हेल्दी रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा। पहला टॉपिक, जमीन कैसे तैयार करें। जमीन तो तैयार तो वैसे सभी किसान भाई जानते हैं जमीन को कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, जमीन वो चूज करना जहां पे पानी नहीं भरता हो, और ऐसी जगह जहां पर हल्की फुल्की छांव रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेज धूप में नर्सरी खराब होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप खुले खेत में कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तैयारियां और करनी होगी इसके साथ। खाद कौन सी डालेंगे, खाद आपके यहाँ पर जो अवेलेबल है वो डालें, लेकिन इतना सा एश्योर करें कि आप कभी भी कच्ची या बिना सड़ी गली गोबर नहीं डालें, जो सड़ी गली है अच्छे से, या फिर नर्सरी कोई बहुत बड़ी दूर में नहीं होगी, आप किसी के आसपास में कहीं से केंचुआ खाद मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो नर्सरी है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ रहेगी, उसमें किसी तरह का फंगस वगैरह इस तरह की चीजें नहीं डेवलप होती हैं। तो सबसे बढ़िया होगा अगर आप केंचुए की खाद लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। उसके साथ में आप उसी क्यारी में आप लगभग 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जो आप जो बेड बनाएंगे उसमें आप ये चीज ध्यान रखें, जब बेड बनाएंगे ना तो उसको बीच में से ऊपर और साइडों में से थोड़ा सा ढलान रखें दोनों तरफ, ताकि जब भी एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा वो बह के बाहर चला जाए, और जब कभी मान लो कभी गलती से कोई बारिश का पानी भी ज्यादा आ गया तो भी उससे वो नुकसान नहीं होगा, थोड़ी बहुत बारिश का पानी भी अगर होगा तो वो बह के साइडों में चला जाएगा। बीच में अगर पानी ठहरता है तो ऐसी कंडीशन में नर्सरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख के इसको बेड को बनाएंगे, और उसके साथ में आप जो केंचुआ खाद डाल रहे हैं उसमें लगभग 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा अवश्य डालें, चाहे आप किसी भी तरह का केमिकल का बाद में यूज करते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राइकोडर्मा जरूर डालें, क्योंकि इस कंडीशंस में अभी जो हम होता क्या है, जैसे फंगस ही तो होती है जो बीमारियां भी लाती है, और फंगस ही होती है जो बीमारियों को खत्म भी करती है, ट्राइकोडर्मा भी एज ए फंजीसाइड ही है, और ये भी फंगस है ताकि दूसरे फंगस को खा के ये खत्म कर देता है। तो इसी कंडीशन में अगर आप ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो इस समय ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है, और अच्छी ह्यूमिडिटी में ट्राइकोडर्मा डेवलप होने में बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। इसको जरूर डालें, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो आपके आसपास से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले सकते हैं, वहां पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, ये चीज जरूर डालें। मतलब आप जो बेड तैयार कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको दो चीजें बता दी, वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा, अगर ये दोनों चीजें डालेंगे तो सफिशियंट है, कोई और चीज डालने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। हो सके तो आप अगर फिर भी आप डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा खाद तो ये वर्मी कंपोस्ट को ही बढ़ा दीजिए 2-3 किलो, बाकी आप और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। डीएपी डालेंगे तो डीएपी जब तक काम करना शुरू करेगा तब तक तो हम नर्सरी तैयार करके वापस खेत में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएपी और ये बहुत स्लो और लंबे समय तक काम करने वाली चीजें हैं, हम इसको नर्सरी में डालेंगे तो इसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बारिश या तेज धूप से कैसे बचाएंगे, तो बारिश या तेज धूप से बचाने के लिए हमारे पास में अच्छे विकल्प हैं, आज की डेट में इतनी सुविधाएं अवेलेबल हो गई है, मार्केट से आप ला सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट पन्नी ला सकते हैं, आप या फिर आप 50% जो सेड ग्रीन नेट आता है वो ला सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इनके आप मचान बना के रखिए, एक तरफ दोनों को दबाइए, आप जो भी मचान बनाएंगे लकड़ी से बनाए या फिर पाइप से बनाए तो उस तरह को उसको इस तरह से रखें कि लगभग जो आपकी पनीरी है पौध है उससे ये 3 से लेके 5 फीट ऊपर होना चाहिए,
ताकि जब कभी भी बिल्कुल कम हवा भी चले उस कंडीशन में भी वेंटिलेशन अच्छे से होता रहे ताकि किसी तरह की फंगस डेवलप नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखें, आसानी से मिलता है बाजार से आप ले आए, अगर ये चीजें जरूरी है, बारिश और तेज धूप दोनों से नर्सरी को बचाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। बारिश जैसे आया पन्नी से ढक दीजिए, और बारिश नहीं है तो पन्नी हटा के आप केवल सेट नेट से ढक के रखिए। जब धूप हो तब पन्नी से ढका हुआ नहीं होना चाहिए जो अपना नर्सरी है वो, नहीं तो उसकी गर्मी की वजह से जो नर्सरी है वो नष्ट हो जाएगी। सभी जानते हैं नर्सरी तैयार करने के साथ साथ हमें कुछ चीजें सावधानी रखनी है, जैसे खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, कीड़े नहीं लगेंगे, कीटों का प्रकोप नहीं होगा अगर खरपतवार समय से आप निकालते रहे तो। और दूसरा, जब भी आप अपनी जो नर्सरी लगभग 10 से लेके 15 दिन के बीच का एक टाइम पीरियड में आपको बता रहा हूं, अगर इस तरह उतना दिन हो जाए, तीसरी या चौथी पत्ती जब आ जाए, तो उस समय आप एक चीज का ध्यान रखें, वैसे बारिश में पानी की ज्यादा जरूरत वैसे भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप कम पानी देंगे उस दौरान तो ज्यादा अच्छा होगा। कम पानी देने की वजह से क्या है, रूट डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और पानी भर के ना देना है कभी भी। जब भी आप पानी देना बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर से पानी आप दें, और झारे से पानी देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप स्प्रे मशीन जो आपकी हाथ वाली या बैटरी वाली है उसके लिए भी एक बड़ा एक जार आता है, वो लगा के आप पानी दीजिए, ताकि उसमें फिक्स पानी लगेगा। ज्यादा पानी आप नहीं देंगे तो पौध अच्छे से बन जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को जो नर्सरी जो अपन पानी डाल रहे हैं वो कम डालें, 4-5 दिन तक आप बिल्कुल कम डालेंगे। जब चौथी पत्ती आ जाए उस समय तो रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और जब ट्रांसप्लांट करें उससे फिर 1-2 दिन पहले आप पानी अच्छे से दे सकते हैं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। कमर तोड़ हो जाए तो क्या करें, वैसे तो अगर आप ट्राइकोडर्मा का यूज करते रहेंगे शुरू से ही, जैसे मैंने बताया आपने जमीन में डालना है, और उसके बाद जब भी पानी डालें तो लिक्विड ट्राइकोडर्मा मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, जो मिल जाए हर तीसरे चौथे दिन आप पानी में घोल के डालते रहें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी कमर तोड़ नहीं होगा अगर आप ये चीज करेंगे तो। किसी तरह के केमिकल फंजीसाइड को यूज करने से बढ़िया है आप ट्राइकोडर्मा को रेगुलर यूज करें, तो पौधे में ग्रोथ अच्छी आएगी, और आप खुद देखेंगे अगर आप मेरी बताई हुई बात पे आप खुद गौर करें और इस चीज को जरूर ट्राई करें। ये मैंने खुद ट्राई किया है, मतलब जो आपकी पनीरी पौध जो नर्सरी है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रांग तैयार होगी, आप जैसे ही खेत में लगाएंगे बिल्कुल वो टिकेगी। लेकिन अगर हम फंजीसाइड जैसे जो केमिकल वाले होते हैं उनको अगर यूज करते हैं तो वो मतलब उतना ग्रोथ जल्दी ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है, वो बहुत स्लो ग्रोथ करेगा, क्योंकि उन्होंने केमिकल पहले से ही ले लिया है। तो आप अगर ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं उसके अलावा भी आप जो बीज डालेंगे उसको केप्टान या फिर आप बाविस्टीन से बीजोपचार करके डालें तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा भी अगर कमर तोड़ आया है फिर बाद में भी आपके उसके खेत में, तो आप मैंकोजेब 75% WP वाला 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप एक फंजीसाइड आता है साफ करके, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैंकोजेब दोनों होते हैं, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, तो कमर तोड़ का इलाज इन दोनों से भी हो जाएगा। और अगर आप ट्राइकोडर्मा करेंगे तो यूज करेंगे तो वैसे भी आप किसी तरह का कमर तोड़ आएगा ही नहीं। पहले लास्ट में एक बात कर लेते हैं कि जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद क्या करना है। जर्मिनेशन होने के बाद में अच्छे से जैसे मतलब हम पानी वैसे में रोज लगभग देना ही होगा, ज्यादा बारिश से तो पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देते हैं तो आप सजीव जल बनाइए, कंडे जो गोबर के कंडे होते हैं उसका पानी आप उसमें डाल सकते हैं, वर्मी वाश अगर आप केंचुआ खाद खुद बनाते हैं तो आप वर्मी वाश निकाल के वो उसमें डाल सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास में फिर भी कुछ डालना चाहते हैं तो जब पौध आपकी 15 दिन की हो जाए तो उसमें थोड़ा सा कैल्शियम डाल सकते हैं, और थोड़ा 19-19 आप डाल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो है ये आप डाल सकते हैं, आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप जो वर्मी वाश या फिर सजीव जल कोई भी बना सकता है, अगर आपके पास वर्मी वाश नहीं है तो सजीव जल बहुत ईजी है बनाना, बहुत जल्दी आपको इसका भी एक वीडियो मिल जाएगा कि आप सजीव जल कैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा खाद है, बहुत अच्छी ग्रोथ देता है पौधों को, और नर्सरी को तो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बना देगा वो। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।